आंखों में जो है वो आप खुशी के आंसू देख सकते हैं। पूरी कौम पे एहसान किया है, इन्होंने आंसू काट दे। साथ साथ कंस्ट्रक्शन करके एक दार कामयाबी पर वजीरे आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए, हुकूमत सिंध ने 5 करोड़, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 10 लाख रुपए। 70,000 रुपए की जेवलिन नहीं मिल रही थी और आज अरशद नदीम पर पाकिस्तान में इनाम की बौछार है। एयरपोर्ट के बाहर जी तो फ्रेंड्स देखिए आज इस वीडियो में जो अरशद नदीम ने जिलन थ्रू में गोल्ड मेडल हासिल किया है उस पे इनामात की बारिश हो चुकी है, उस पे देखें इंडियन मीडिया का रिएक्शन इस वीडियो। बाप कितना खुश है और उसकी आंखों में जो है वो आप खुशी के आंसू देख सकते हैं। वो मतलब एक 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 मैं ये समझता हूँ कि वो निहाल है कि उसके होने हाल ने उसके लिए वो काम सर अंजाम दिया है। पूरी कौम पे एहसान किया है, इन्होंने पूरी कौम पे एहसान किया है और अल्लाह अल्लाह इनको मजीद तरक्की दे। मेरी औकात दे कि मैं इस पेड़ से इतना कर रहा कच्ची अच्छा मजदूरी का भी पाले को 1.5 करोड़ रुपए मालियत का एक किनाल का प्लॉट देने का ऐलान किया है। ये सिर्फ प्लॉट नहीं दे रहे, प्लॉट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन करके एक किनाल का घर भी बनाकर दे रहे हैं और इसी के साथ साथ सारी जिंदगी जब तक अरशद नदीम उस घर में रहेगा उसको कोई यूटिलिटी बिल नहीं आएगा, उसके गैस के बिल भी फ्री होंगे, उसका बिजली का बिल भी फ्री होगा और ता हयात उसको बिजली भी फ्री दी जाएगी। ये तमाम अब्बा जी मैंने वो जेवलिन लेना है तो इन्होंने कहा ओ की हुंदा है और उसके बाद एक बड़ा जो एक डंडा होता है, एक पाइप होता है, उसके आगे एक लोहे का कील लगाकर रस्सी से बांधकर उसको जैवलिन तैयार करके दिया। असल में जो प्रोफेशनल जैवलिन तैयार होता है उसकी कीमत 8 से 9 लाख रुपए है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से उसके लिए एक जुगाड़ लगाया और जैवलिन तैयार करके दिया, अगर आपके अंदर भूख हो, आपके अंदर लगन हो, डेडिकेशन हो तो यकीन करें वो भूख इतनी खतरनाक बन जाती है कि आपको ओलंपियन चैंपियन बना देती है। उस तो बाद साकी से मेरा यार साकी उन्हें लाहौर एक ले आ गया नेजा लग दिता, असी ने तैयार किया हिंदुस्तान 85 मुल्क तीसरे नंबर से आया। मेरे अल्लाह के काम एक किनाल का इनको जो है वो प्लॉट दे रहे हैं और घर भी बनाकर दे रहे हैं, बिल भी आपने इनके सारे के सारे जो है सारी जिंदगी के लिए फ्री कर दिए हैं। आपको नहीं लगता कि अब जो है कामयाब वो हो गया है तो उसके बहुत ज्यादा जो है बाप पैदा हो गए हैं, नाकामी जो है वो यतीम होती है, तो क्या पैगाम देंगे उन तमाम लोगों जी? ये जो अरशद साहब के वालिद साहब हैं, सारी कौम इनकी मकरूज है, ये पूरी कौम के एक तरह से मोहसिन है जिन्होंने इतना अजीम बेटा पैदा किया और उसको एक एथिक सिखाए, उसकी ये मोटिवेशन बने। असल में उनके वाले साहब, उनके भाई जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनकी वालदा साहबा, असल में हमारी कौम के बिहाइंड द सीन जो हीरो हैं वो ये हैं। ये एक प्लाट जो हम समझ रहे हैं ये कोई मैं समझता हूँ कि जो मालियत कितनी है, मालियत कितनी है, मालियत को आप छोड़ें, मैंने अभी एक खबर पढ़ी FBR की कि वो कोई टैक्स लेना चाह रहे हैं, मतलब कि सारी जिंदगी इनसे कोई टैक्स नहीं लेना चाहिए, ये कौमी हीरो बन गया हमारा। अगर कोई टैक्स वो इन पर डालते हैं तो फिर आप पे करेंगे? हम पे करेंगे, हम सारी जिंदगी इंशाल्लाह ताला जो अरशद भाई ने और इनके वालिद साहब ने और इनके भाइयों ने जो कौम पे एहसान किया है, पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया, इसकी कोई कीमत प्लाटों से नहीं अदा हो सकती, इसकी कीमत कोई पैसों से नहीं अदा हो सकती, ये वालिद साहब की दुआओं से अदा हो सकती है और इस वक्त उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। बाप कितना खुश है और उसकी आंखों में जो है वो आप खुशी के आंसू देख सकते हैं। वो मतलब एक 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 मैं ये समझता हूँ कि वो निहाल है कि उसके होने हाल ने उसके लिए वो काम सर अंजाम दिया है। पूरी कौम पे एहसान किया है, इन्होंने पूरी कौम पे एहसान किया है और अल्लाह अल्लाह इनको मजीद तरक्की दे। में मुल्क का नाम रोशन करने और कई दहाइयों के बाद मुल्क को इतनी बड़ी खुशी देने वाले अरशद नदीम पर पूरी कौम अपनी मोहब्बतें निछावर कर रही है। अरशद नदीम ने न सिर्फ 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है बल्कि उन्होंने ओलंपिक्स की 118 बरस की तारीख में सबसे तवील फासले तक जूलियन फेंक कर नई तारीख भी रकम की है। अरशद नदीम की कामयाबी पर कौम की जानिब से इनामात की बारिश हो गई है। वर्ल्ड एथलीट्स फेडरेशन की जानिब से अरशद नदीम को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिलेंगे।
पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने इनके लिए सिविल अवार्ड हिलाल इम्तियाज का ऐलान किया है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त की मुनासिबत से अरशद नदीम की खसूसी तस्वीर वाला अजम इस्तेहकाम डाक टिकट जारी कर दिया है। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 10 करोड़ रुपए, हुकूमत सिंध ने 5 करोड़, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने 10 लाख रुपए का ऐलान किया है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए और पाकिस्तान के एक निजी बैंक UBL ने 50 लाख रुपए का ऐलान किया है। यही नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी अहमद शहजाद और गुलुकार अली जफर ने भी अरशद नदीम के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान किया है। मेयर सखर ने अरशद नदीम के लिए सोने के ताज का ऐलान किया है और शहर में एक जेर तामीर स्पोर्ट्स स्टेडियम का नाम अरशद नदीम के नाम से मौसूम करने का वादा किया है। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब ने कराची में अरशद नदीम एथलेटिक्स एकेडमी बनाने का ऐलान किया है, जबकि वजीर आला पंजाब ने अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान किया है। गवर्नर पंजाब ने कौमी हीरो को खिराज तहसीन पेश करते हुए 20 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा एक निजी चैनल ने अरशद नदीम को अपार्टमेंट देने का भी ऐलान किया है। तारीख साज कामयाबी पर इनके लिए स्पॉन्सर्स की जानिब से भी ऑफर्स आना शुरू हो गई है। कराची प्रेस क्लब की जानिब से अरशद नदीम को कराची प्रेस क्लब की एजाजी मेंबरशिप देने का भी ऐलान किया गया है, तो पाकिस्तान गैस एंड ऑयल ने जिंदगी भर के लिए मुफ्त पेट्रोल देने का भी ऐलान कर दिया है। दौरी तो है, 70,000 रुपए की जेवलिन नहीं मिल रही थी और आज अरशद नदीम पर पाकिस्तान में इनाम की बौछार है। एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, नेता मंत्री विधायक पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन, हर आदमी उनके साथ फोटो खिंचाकर कहना चाहता कि अरे हमारा लड़का है जी, हमारा लड़का, ये हमारा वाला, हम ही किए थे। और इनाम पर इनाम जा रहा है। अरशद नदीम को पाकिस्तान की सरकार अब अपना लाडला बना चुकी है और ऐसा इनाम दिया है जो सिर्फ 5 खिलाड़ियों को मिला है। पाकिस्तान ने अरशद नदीम को उस सम्मान से नवाजने की घोषणा की है जिसे पाने वाले वो 5वें खिलाड़ी होंगे। उनसे पहले ये अवार्ड इमरान खान, वसीम अकरम जैसे दिग्गजों को ही मिला। हालांकि अरशद नदीम बेहतरीन आदमी है, नीरज चोपड़ा को लेकर, उनकी मम्मी को लेकर अभी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जिसकी वजह से इंडिया में भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा की माँ मेरी माँ जैसी है और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मोहब्बत है मुझे अपनी, वो मेरी माँ जैसी है और उनका सम्मान है। अब नीरज चोपड़ा इंडिया लौटे, उनका स्वागत इधर हो रहा है, उधर पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद अरशद नदीम भी लौट आए हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग के साथ ही स्वागत हो रहा, अरशद नदीम का प्लेन जो है आधी रात को लैंड किया, इसके बाद फैंस की भीड़ जमा हुई। पाकिस्तान की आवाम में उन्हें लेकर गजब की दीवानगी दिखी। उधर सरकार को भी लगा कि मौका अच्छा है, जबरदस्त तरीके से इनका स्वागत किया जाए, इनाम दिया जाए और पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा कर दी गई। अरशद नदीम को जिस सम्मान से नवाजा जा रहा है वो पाकिस्तान में बहुत लोगों को नहीं मिला है। अरशद नदीम को पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए इम्तियाज दिया गया है। ये सम्मान जो है पाकिस्तान में अगर खिलाड़ियों की बात की जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान में इमरान खान को मिला था। वही इमरान खान जो पाकिस्तान के लेजेंड रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रहे और पाकिस्तान की जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन रहे। हिलाले इम्तियाज पाने वाले अब अरशद नदीम 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं, जेवलिन के नए ओलंपिक चैंपियन जिन्होंने 100 साल के जेवलिन के इतिहास में सबसे दूर भाला फेंका, उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है और पेरिस ओलंपिक में उनकी कामयाबी के चलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के बाद ये सम्मान खिलाड़ियों में 1997 में स्क्वैश प्लेयर जनशेर खान को दिया गया था। उसके बाद 2019 में वकार यूनिस और वसीम अकरम को यह अवार्ड दिया गया था। पाकिस्तान में चाहे शाहिद अफरीदी हों, शुएब अख्तर हों, उन्हें भी यह अवार्ड अब तक नहीं मिला है और अब अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अवार्ड से नवाजा जा रहा है। वो 5वें खिलाड़ी हैं। अरशद नदीम वैसे डिजर्व करते हैं, डिजर्व इसलिए करते हैं क्योंकि ओलंपिक में पाकिस्तान की कोई हैसियत रही नहीं है और वहां पर मेडल का सूखा बीते 32 सालों से था। उस सूखे को खत्म किया, न सिर्फ खत्म किया बल्कि ऐसे रिकॉर्ड के साथ खत्म किया जो आगे आने वाले समय में भी एक बड़ा पैमाना रहेगा। अरशद नदीम के भाले ने 92.97 मीटर की दूरी तय की थी और भाला तो ये भी नहीं है कि कोई मशीन खराब हो गई, वो तो दिखाई। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, एक पस्ती से एक लड़का उठा, उसने अपने बाजुओं पे मेहनत की खुद और जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है पाकिस्तान के लिए जीत के लाया और मुल्क को, कौम का नाम जो है उसने रोशन किया।
और जिस पे पाकिस्तान की हुकूमत ने और जो बड़े सरमायाकार थे उन्होंने उस पे अनामत की बारिश कर दी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अल कबीर टाउन वालों ने एक नाल का घर उसको गिफ्ट किया है और उसमें उसको घर बना के देंगे। और एक जो दूसरा है उसने उनको जो है वो सुजुकी कार जो है गिफ्ट किया और उसके और एक जो है वो दूसरा उसने उनको सुजुकी कार गिफ्ट की है। और इसके साथ ही वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 10 करोड़ का नाम का ऐलान किया है और सिंध की हुकूमत ने जो है उसके लिए 5 करोड़ का नाम का ऐलान किया है। तो जैसे कि अभी पहले जो है उसके पास उसके घर का गुजर बसर जो है वो बड़ी मुश्किल से हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अब जो है वो पैसों में रेल पेल उसकी तरफ पहुंच गई। और उसकी ख्वाहिश देखें क्या है कि सबसे पहले इन पैसों के साथ वो क्या करना चाहता है। वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रा करने के लिए जाऊं, जैसे ही मुझे ये पैसे जो है मैं मिलते हैं वो उम्रा करने के लिए जाएगा। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और हॉकी के प्लेयर जो है उनको भी इससे जो है मोटिवेशन हासिल होगी और वो भी ऐसे ही जो है अपने अपने मैदानों में जो मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान को खुशियों का मौका फराहम करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जल्द दीजिए अल्लाह।